नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आशी प्रतीक और बढ़ते हैं आज की खास खबर की तरफ। भिलवाड़ा से है, अग्निपथ योजना को रद्द करने की मांग को लेकर सोमवार को सातों विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया गया। शहर में सोमवार को सूचना केंद्र चौराहे पर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं भिलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अनिल डांगी के नेतृत्व में सत्याग्रह किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निर्देशों के अनुसार किए गए सत्याग्रह में भीलवाड़ा विधानसभा कोऑर्डिनेटर सीएम भदाला सहित कई पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। सत्याग्रह को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल डांगी ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता किसी कीमत पर युवा विरोधी अग्निपथ योजना बर्दाश्त नहीं करेगा एवं केंद्र सरकार को यह योजना वापस लेना ही होगा। सत्याग्रह में कांग्रेस भीलवाड़ा पूर्वी ब्लॉक अध्यक्ष हेमेंद्र शर्मा, लहरू जाट सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल थे। सत्याग्रह कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के निर्देशों के अनुसार जो राज्य केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना हमें लागू की है युवाओं पे, जो 17 साल से 21 साल के लिए उन युवाओं को 4 साल की नौकरी देने के लिए योजना बनाई है, जहाँ पर पहले ही 2 साल के अंदर 2 लाख नौकरियां सेना के अंदर बाकी थी, वहाँ पर उन युवकों को ये कहते हुए रोक दिया था कि कोरोना काल के अंदर हम ये नौकरियां नहीं देंगे, लेकिन 2 साल के अंदर उन्होंने बंगाल के अंदर चुनाव तक करवा दिए और सैनिकों के साथ कुटाचार तो छलवा किया, और उसको छुपाने के लिए उन्होंने आज 1.5 लाख नौकरियों की बात की, जिसके अंदर से मात्र 34,000 ऐसे युवाओं को 4 साल के लिए नौकरी मिलेगी। उन भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि राजीव द्विवेदी की ये तो हमारी भाजपा के जो कार्यालय है उनकी सिक्योरिटी के लिए है। मैं बड़ी शर्म की बात है कि देश के युवाओं के साथ इतना बड़ा छलवाड़ मजाक हो रहा है, देश की सुरक्षा खिलवाड़ में, उसके विरोध में इस योजना को पुनः लेने के लिए आज पूरे राजस्थान के अंदर आंदोलन हो रहा है। मैं, मेरे साथी हेमंदर जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष मंजू जी और हमारे सभी कार्यकर्ता सेवा दल के सभी मिलकर के आज इस योजना को पुनः वापस लेने का यहाँ सत्याग्रह के लिए।